अब खेलों में सट्टेबाजी करना गैर कानूनी नहीं रहेगा। अभी तक गैर कानूनी तौर पर क्रिकेट की हर बॉल, हर शॉट और हार जीत पर सट्टा लगने की खबरें आती थी। इसमें अंडरवर्ल्ड का नियंत्रण बताया जाता है, लेकिन अब सरकार खुद सट्टे से कमाई करने के फेर में है। हाल में सचिव स्तर की मीटिंग में महसूस किया गया कि इस कमाई से सरकार खेलों के विकास के लिए पैसा जुटा सकती है। इसके लिए कई दूसरे देशों से भी मदद ली जा रही है। ब्रिटेन में खेल पर सट्टा गैर कानूनी नहीं, बल्कि खेलों के विकास के लिए ब्रिटेन इसी जरिए पैसा जुटाता है। इस मामले में ब्रिटेन में काफी मजबूत कानून बनाए गए हैं। बताया जाता है कि ब्रिटेन से मदद लेने के मामले में करार करने खेल सचिव लंदन गए हुए हैं। इधर खेल मंत्रालय भी जोर शोर से सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहा है। आए दिन क्रिकेट में सट्टेबाजी के सामने आते मसलों और देश की साख पर बट्टा लगने के लिए बीसीसीआई को भी जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, लेकिन बीसीसीआई में सुधार के लिए सिफारिश देने वाली लोढ़ा कमेटी ने सबसे पहले सट्टेबाजी को लीगल बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन सवाल यह है कि सट्टे को कानूनी बनाने के बाद क्या खिलाड़ी खेलते हुए देश के प्रति ईमानदार रह पाएंगे? क्या इससे अंडरवर्ल्ड का नियंत्रण खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएल।